हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिकल एजुकेशन। आई एम रक्षा रघुवंशी और इस लेक्चर में हम इंडिया के पहले इंडिजीनियसली मेड एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में बात करेंगे, जिसको 15 अगस्त को कमीशन किया जाएगा। इसका नाम है INS विक्रांत। हमारे पास पहले भी एक एयरक्राफ्ट कैरियर था जिसका नाम INS विक्रांत था। वो कौन सा था उसके बारे में जानेंगे, इस एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में जानेंगे, ये कितना बड़ा है और किसी एयरक्राफ्ट कैरियर का होना किसी कंट्री के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, ये किसी भी कंट्री की स्ट्रेंथ को बताता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्यों है वो हम जानेंगे, इसके होने से क्या फ़ायदे होते हैं वो हम जानेंगे, और अभी तक जो एयरक्राफ्ट कैरियर की हिस्ट्री है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ये पहला एयरक्राफ्ट कैरियर था, आप देख सकते हो किस तरह का होता था और अब किस तरह के एयरक्राफ्ट कैरियर बनने लगे हैं। तो काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा ब्रिटिश एयरक्राफ्ट कैरियर, जापानीज एयरक्राफ्ट कैरियर और इंडिया के एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लास्ट तक देखना है आपको वीडियो को, और ये पसंद आती है तो इसको लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, जिससे कि आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए बात करते हैं इस न्यूज़ के बारे में। पहली चीज़ तो ये है कि इंडियन नेवी ने ऑन 28 जुलाई डिलीवरी ली ऑफ फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर IAC, इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर। इंडिया का पहला, इंडिया में बना हुआ एयरक्राफ्ट कैरियर ये है, ठीक है, जिसका नाम रखा जाएगा विक्रांत। इंडिया के पास पहले भी एक विक्रांत कैरियर था, पहला कैरियर हमारा विक्रांत था, ठीक है, उसको डिकमीशन कर किया जा चुका है ऑलरेडी, तो अब इसका नाम उसी के नाम के ऊपर रखा जाएगा विक्रांत, ठीक है। और ये जो विक्रांत कैरियर था उसकी हिस्ट्री भी आपको पता चलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसका नाम क्या होगा, विक्रांत। इसको 28 जुलाई को डिलीवरी मिल गई है इंडियन नेवी को, ठीक है। इसका मैन्युफैक्चर किसने किया, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया। ये एक पब्लिक सेक्टर शिपयार्ड है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, ठीक है। तो बेसिकली शिपयार्ड, ये पब्लिक सेक्टर शिपयार्ड है और इसको इंडिया में ही बनाया गया है, ठीक है। और इसको कब कमीशन किया जाएगा, इंडिपेंडेंस डे पर कमीशन किया जाएगा, 15 अगस्त को कमीशन किया जाएगा इसको। इससे क्या होगा, इंडिया ने खुद अपनी कंट्री में ये एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया है, तो इंडिया उन अलाइड क्लब ऑफ नेशंस में से हो जाएगा जिनके पास कैपेबिलिटी है टू डिजाइन एंड बिल्ड दीज कीन पावरफुल वॉरशिप, ठीक है। हम उन कंट्रीज में से हो जाएंगे जो अपने खुद कंट्री में डिजाइन कर रहे हैं इस तरह के बड़े बड़े वॉरशिप को, और ये बहुत ही प्राइड और एक तरह से किसी भी कंट्री की प्राइस प्रेस्टीज की बात होती है कि उसके पास एयरक्राफ्ट कैरियर कितने हैं, क्यों है कितने, या किस तरह से वो अपने देश की और अपना जो वाटर है उसकी किस तरह से सुरक्षा कर सकता है, इवन और भी बहुत सारे फायदे वो भी समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंस क्या है किसी एयरक्राफ्ट कैरियर की, तो ये सिंबल है ऑफ प्रेस्टीज एंड पावर फॉर नेशंस अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है। एनहेंसेस द नेवीज कैपेबिलिटी टू ट्रेवल फार फ्रॉम इट्स होम शोर। इससे क्या होता है, ये बहुत बड़ा स्पेस होता है और बहुत बड़ा होता है, बहुत दूर तक ट्रेवल करता है, तो बहुत सारे शिप्स वगैरह, मिसाइल्स वगैरह सब इस पर रख के एयरक्राफ्ट वगैरह, मतलब बेसिकली इस एयरक्राफ्ट पे बहुत सारी चीज़ें, मतलब इस एयरक्राफ्ट कैरियर पे बहुत सारे एयरक्राफ्ट रखे होते हैं, मिसाइल्स वगैरह रखी होती हैं, और इसको कंट्री का जो किनारा है उससे काफ़ी दूर ले जाया जाता है कहीं भी। जैसे मान लीजिए हमें किसी कंट्री पर अटैक करना है, इंडिया ऐसा करते नहीं, लेकिन मान लीजिए किसी कंट्री पर अटैक करना है, तो हमारा सिर्फ डिफेंस वाला ही काम नहीं, हमें अटैक वाले काम भी समझ में आने चाहिए। तो हम जरूरी थोड़ी, हमें अदरवाइज हमें क्या करना पड़ेगा कि हमारे जो एयरक्राफ्ट वगैरह हैं वो यहाँ से फ्यूल भरेंगे और दूर तक जाएंगे, किसी भी कंट्री के पास जाना है तो दूर तक जाएंगे, तो रिफ्यूलिंग के लिए आना पड़ेगा, या फिर कोई और एयरक्राफ्ट उसको रिफ्यूल करे, तो वो बड़ी दिक्कत वाला काम है। तो यहाँ पे ये क्या करते हैं, एक तरह से घर ही हो गया पूरा, जिसमें फ्यूल वगैरह सब कुछ होगा, यहीं से आप उन एयरक्राफ्ट को लॉन्च कर सकते हो, ये मिसाइल्स वगैरह भी लॉन्च कर सकते हो। तो बेसिकली एयरक्राफ्ट कैरियर काफ़ी दूर तक चले जाते हैं, तो एक तरह से आप देख लो कि आपका कंट्री दूसरी जगह चला गया और वहाँ से जो भी आपको लड़ाई करनी है, कुछ करनी है, वो वहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे हमारे आसपास है, मान लीजिए चाइना है, इधर पाकिस्तान है, इधर रशिया हमारा फ्रेंड है, हमें कभी रशिया की जरूरत, हेल्प की जरूरत लग गई, तो हम अपना एयरक्राफ्ट कैरियर यहाँ ले जा सकते हैं और वहाँ हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हमने बांग्लादेश में की थी 1971 में, ठीक है, यहाँ पे हमने उसको रोका था, बेसिकली बांग्लादेश यहाँ पे हमारा, ठीक है, तो इसके बाद ये चाइना हो गया, तो बांग्लादेश
पर हमने पाकिस्तान की जो पूरी आर्मी थी उसको यहाँ से रोका था, नहीं तो वो यहाँ से चले जाते, ठीक है। हमने उसको यहाँ से रोका तो वो यहाँ से नहीं जा पाई, और बाकी यहाँ पे इसी वजह से उन्होंने सरेंडर किया था। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट था इंडिया का पाकिस्तान और बांग्लादेश को जो का वॉर हो रहा था उसमें जीतने का। ओके, तो एनहेंसेस द नेवीज कैपेबिलिटी टू ट्रेवल फार फ्रॉम इट्स होम सो टू कैरी आउट एयर डोमिनेशन ऑपरेशन, ठीक है। तो ये सब वहां से इजीली हो पाएंगे। ओके, इसके अलावा इट इज एसेंशियल टू बी कंसिडर्ड अ ब्लू वाटर नेवी। ब्लू वाटर नेवी क्या होती है? अ नेवी दैट हैज द कैपेसिटी टू प्रोजेक्ट अ नेशन स्ट्रेंथ, ठीक है। इसके पास कैपेसिटी होती है अपने नेशन की स्ट्रेंथ को बताने की एंड पावर अक्रॉस द हाई सीज। ओके, तो बेसिकली ये कैपेबिलिटी होती है ब्लू वाटर नेवी की, तो जो कि इंडिया की काफी बढ़ जाएगी। ओके, इसके अलावा हम बात करें तो एयरक्राफ्ट कैरियर जनरली लीड्स सॉरी जनरली लीड्स एज अ कैपिटल शिप। कैपिटल शिप की तरह ये चलता है, मतलब पूरे के पूरे एक ग्रुप में चलता है, एक बैटल ग्रुप या कैरियर स्ट्राइक। ये क्यों चलता है? क्योंकि आप देख सकते हो जैसे एक राजा की तरह चलता है, एक राजा है और उसके आसपास पूरी प्रजा चल रही है, इस तरह से मान सकते हो। इसका रीजन क्या है? क्योंकि ये एयरक्राफ्ट कैरियर है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारा प्राइज्ड एंड समटाइम्स वल्नरेबल टारगेट होता है। इसको अगर टारगेट कर लिया, इसको खत्म कर दिया, तो हारने के चांसेस हार मानी जाती है बेसिकली। जिस तरह से राजा को मार देते हैं तो हार जाती है, उसी तरह से एयरक्राफ्ट कैरियर को अगर खत्म कर दिया जाता है तो जो एयरक्राफ्ट वगैरह है उनको लॉन्च करने की जगह है, और ये बहुत ही वल्नरेबल होता है, इसमें फ्यूल वगैरह सब कुछ है, तो ब्लास्ट वास्ट हो गया तो फिर वो दिक्कत है। तो इसको बेसिकली बचा के रखा जाता है, ऐसा भी बोल सकते हो, और ये प्राइस का सिंबल है, तो इसीलिए बिल्कुल ग्रुप में चलता है ये। इट इज यूजुअली एस्कॉर्टेड इन अ ग्रुप बाय डिस्ट्रॉयर्स। तो इसके आसपास डिस्ट्रॉयर्स होते हैं जो कोई भी मिसाइल वगैरह आती है उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, मिसाइल क्रूजर्स होते हैं, ठीक है, फ्रेगेट्स होते हैं, सबमरीन्स होती हैं, सप्लाई शिप्स होते हैं, तो ये सब इसके आसपास चलते रहते हैं। छोटे 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 लोग इसके आसपास चलते रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा अब बात आती है कि हिस्ट्री क्या है एयरक्राफ्ट कैरियर की। तो पहला एयरक्राफ्ट कैरियर आप ऐसा देख सकते हो, ये है, ठीक है। ये ब्रिटिश नेवी ने एक्सपेरिमेंट किया था HMS ऑर्गस, ये World War I के टाइम पे किया था, 1918 में, ठीक है। और लेकिन ये क्या किया था इन्होंने, किस तरह से डेवलप किया था, ये पूरा बनाया नहीं था पहले, अनऑब्स्ट्रक्ट एक फ्लाइट डेक था। तो इस तरह से मतलब इसके ऊपर इन्होंने, आप देख सकते हो कि ये बन रहा था, और ये पूरा का पूरा इन्होंने प्लेन छोड़ दिया, और यहाँ पे ये पूरी पूरी फ्लैट एक स्पेस इन्होंने रखा, और यहाँ इसको एयरक्राफ्ट कैरियर बना दिया इन्होंने। World War I के टाइम पे इन्होंने बनाया था कि इसको यूज करेंगे, लेकिन क्या हुआ, जब ये यूज करते ना, उससे पहले ही World War I खत्म हो गया, तो ये यूज तो उसको नहीं कर पाए। तो सबसे पहला एयरक्राफ्ट कैरियर किसने बनाया था? ब्रिटिश नेवी ने बनाया था 1918 में। ओके, उसके बाद फिर यूएस ने बनाया, यूएसएस ने बेसिक मतलब यूएस ने बनाया था। एक इन्होंने क्या किया था, एक जो माल वाहक होता है ना उसको इन्होंने कन्वर्ट किया था, उन्होंने भी कन्वर्ट किया था, वो पैसेंजर वाला था उसको कन्वर्ट किया, इन्होंने इसको कन्वर्ट किया फर्स्ट यूएस कैरियर, ठीक है, टू ज्वाइन द नेवल फ्लीट इन मार्च 2022। ये बेसिकली मार्च 2022 में कमीशन किया गया था, ठीक है। तो इसने मार्च 2022 में ज्वाइन कर लिया था। आप देख सकते हो पहले कितने छोटे छोटे होते थे और अब कितने बड़े बड़े होते हैं। अब देख सकते हो, आप यहाँ पे देखिए एयरक्राफ्ट रखे हुए हैं, इस पे यहाँ पे बहुत सारी चीजें इस पे रखी हुई है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इतनी सी जगह होती है, यहाँ पे इनको यहीं से ही रनवे मतलब काफी छोटा होता है, और इस रनवे से इनको टेक ऑफ करना होता है, तो ये इसके लिए भी काफी सारी प्रॉब्लम्स आई, फिर उसके बाद उनके सॉल्यूशंस भी आए। ओके, 1922 में यूएस में किया गया था, ठीक है, USNG ये कंपनी उन्होंने किया था। ओके, अब इसके बाद फिर कहाँ पे हुआ, फिर मार्च 2022 में हुआ यूएस में, और दिसंबर 2022 में जापान में हुआ था, जापानीज कैरियर होशो। ये 2022 में कमीशन किया गया जापान में, जिस कैरियर से अटैक किया था जापान ने यूएस पे, ठीक है, पर्ल हार्बर जो अटैक था ऑन पर्ल हार्बर बाय कैरियर बेस्ड प्लेन्स ऑन 7 दिसंबर 1941, ठीक है। इससे ही World War II में ये इस पर अटैक किया गया था यूएस पे, और उसके बाद फिर क्या हुआ था, यूएस ने फिर से अटैक किया था जापान पे हिरोशिमा और नागासाकी, तो इसी के बदले में अटैक किया था पर्ल हार्बर पे
मतलब बेसिकली जापान ने पर्ल हार्बर पे अटैक किया, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर यूएस ने इसके दो कंट्रीज पे, दो सिटीज जो थी उन पे अटैक कर दिया, ठीक है, हिरोशिमा और नागासाकी। ओके, तो ये था जापान का। तो आप देख सकते हो पहले किस तरह के बनते थे। तो सिंपल सा एक ये पूरा का पूरा एक फ्लैट जगह उन्होंने बना दी और इस तरह से बनाया था बेसिकली, ठीक है। तो ये तीन तो इम्पोर्टेंट है जो आपको पता होने चाहिए। अब हम बात करते हैं, इसमें कई सारी प्रॉब्लम्स आई, जैसे कि फाइटर जेट्स आ गए। तो फाइटर जेट जो होते हैं, इनके बाद कुछ प्रॉब्लम्स आई जो कि ब्रिटिश कंट्री ने सॉल्व की। ये क्या तीन इनोवेशन किए इन्होंने, स्टीम पावर कैटापल्ट। ये स्टीम पावर कैटापल्ट देख सकते हो आप, इस तरह का होता है। मतलब बेसिकली क्या, इसमें रबड़ समझ सकते हो, रबड़ से, क्योंकि एक रनवे बहुत छोटा होता है, देखिए रनवे छोटा होता है, इनको रनवे की जरूरत पड़ती है, स्पीड से जाना है, रनवे की जरूरत है यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि इन्होंने क्या किया, इस तरह की एक रबड़ लगा दी जिससे कि उसको थोड़ा फोर्स दे सके, तो इस तरह से ये किया। फिर उसके बाद एंगल कैंटेड या फ्लाइट डेक बनाए, ये इस तरह के फ्लाइट डेक उन्होंने बनाए। इसके बाद मिरर लैंडिंग सिग्नल्स बनाए इस तरह से। तो ये जो कई सारी प्रॉब्लम्स है उनके सोल्यूशन आते गए। 1960 में क्या हुआ, फर्स्ट न्यूक्लियर पावर कैरियर जो है वो यूएस, बेसिकली यूएसएस एंटरप्राइज ने लॉन्च किया। तो ये यूएस ने लॉन्च किया था फर्स्ट न्यूक्लियर पावर कैरियर। आपको कंट्री का नाम याद रखना है, कंपनी का नहीं, ओके, ठीक है। 1960 में हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट एयरक्राफ्ट कैरियर थे। उसके बाद इंडिया को क्यों जरूरत है एयरक्राफ्ट कैरियर की, तो इंडिया को बहुत जरूरत है अपनी नेवी की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। नेवी की स्ट्रेंथ क्यों बढ़ानी है, क्योंकि हमारे चाइना के साथ हमेशा दिक्कत चलती रहती है। तो जियो पॉलिटिकल चैलेंजेस हैं फ्रॉम चाइना। चाइना के साथ क्यों ज्यादा चैलेंजेस हैं, क्योंकि चाइना ना बहुत जल्दी जल्दी मैन्युफैक्चर कर रहा है, कमीशन कर रहा है एयरक्राफ्ट कैरियर की। तो अगर उसके पास है तो फिर हमारे पास भी होना चाहिए, ठीक है। चाइना के पास कितने हैं, तो दो ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर है अभी, दो चाइना के पास है, ओके। तीसरा जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, और 2028 तक इनका प्लान है चार हो जाए इनके पास, मतलब कि दो भी हैं, तीसरा अंडर कंस्ट्रक्शन है, एक और बन जाए 2024 तक, सॉरी चार हो जाए इनके पास, और उसके बाद 2028 तक, और उसके बाद 2050 तक इनका 10 करने का टारगेट है। अब जब चाइना इतने कर रहा है तो इंडिया को भी करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद सर्कमस्टेंसेस हैविंग अ डिफरेंट नेवल कैपेबिलिटी इज नॉट ओनली एसेंशियल बट वाइज फॉर इंडिया। ये इंडिया अपनी नेवल कैपेबिलिटी को बढ़ाएगा, ये सिर्फ एसेंशियल ही नहीं है बल्कि अच्छा भी इंडिया के लिए, एज इट्स एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी रेंजेस फ्रॉम ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू वेस्टर्न पैसिफिक। हमारा जो हम बात करें कि हमें कहाँ से कहाँ तक अपनी सुरक्षा करनी है, तो ये पूरा का पूरा जो है हमें इस पूरे के पूरे एरिया को, इंडिया को यहाँ से सेफ रखना है, ठीक है। तो हमारा ईस्ट कोस्ट से वेस्टर्न पैसिफिक, यहाँ पूरे के पूरे में हमें अपनी सुरक्षा लेके चलनी है। हमारा बहुत सारा माल जो जाता है वो साउथ चाइना सी से जाता है, बहुत सारा हमारा इधर से जाता है, और यहाँ हमें अफ्रीका तक पूरा का पूरा, बेसिकली यहाँ तक पूरा का पूरा, यहाँ ऑस्ट्रेलिया, ये सारा का सारा हमें सेफ रखना है, ठीक है, ओके। तो हाई परसेंटेज ऑफ इंडिया ट्रेड ऑल्सो पासिंग थ्रू साउथ चाइना सी, ठीक है। तो साउथ चाइना सी से, या चाइना उधर साउथ चाइना सी जो है, यहाँ से हमारा बहुत सारा ट्रेड होता है। द रोल ऑफ कंट्रीज नेवी हैज ओनली इंक्रीज मैनिफोल्ड टू कीप द इंटरनेशनल रूट सेफ, ठीक है। तो इससे ये क्या करेगा, हमारे जो भी शिप्स हैं, जो भी हमारा ट्रेड होता है, उसको एक सेफ पैसेज प्रोवाइड करेगा, एंड ऑपरेशनल फॉर इट्स मर्चेंट शिप्स, ठीक है। एंड ऑन द वेस्टर्न साइड, अगर हम वेस्टर्न साइड की बात करें, इंडिया की ईस्टर्न साइड की बात हो गई, वेस्टर्न साइड की बात करें, तो इंडिया को सिक्योर करना है अपना क्रूड इम्पोर्ट, और वो बाकी सारे एक्सपोर्ट्स हैं और इम्पोर्ट हैं उनको भी सिक्योर करना है, जो भी हम एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करते हैं, दैट द कंट्री में भी इन्वॉल्व, ठीक है। तो यहाँ पे वेस्टर्न साइड में हम जितना भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं उन सभी को, और ये जो हम ईरान वगैरह से इधर से पूरा का पूरा ये ऑयल वॉयल इम्पोर्ट करते हैं, क्रूड इम्पोर्ट करते हैं, वो सब भी हमें सिक्योर करना है, तो उसके लिए जरूरी है। इसके अलावा INS विक्रांत 1971 में वॉर में हमने क्या किया था, वे ऑफ बंगाल में टू स्ट्राइक ऑन पोर्ट्स, मर्चेंट शिप्स एंड अदर टारगेट्स, एंड टू प्रिवेंट पाकिस्तानी फोर्सेस फ्रॉम एस्केपिंग थ्रू मैरिटाइम रूट्स। मैंने जैसे कि आपको बताया, ये हमारा INS विक्रांत था जिसको डिकमीशन किया जा चुका है ऑलरेडी,
इसको हमने यूज किया था बे ऑफ बंगाल में, यहाँ पे यूज किया था। ये जो बांग्लादेश है अभी, वहां पे 1971 का जो पाकिस्तान, ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान का जो वॉर चल रहा था, इस वॉर में हमने यहाँ पे अपना INS विक्रांत यहाँ पे लगाया था, और इसने यहाँ जो पाकिस्तान की जो आर्मी थी उसको एस्केप करने से रोका था, जिससे कि फिर उन्होंने सरेंडर किया यहाँ पे। नहीं तो ये लोग यहाँ से जा सकते थे, यहाँ से तो इंडिया की बॉर्डर है, लेकिन यहाँ से ये जा सकते थे, तो इसी वजह से ये काफी हेल्पफुल होता है। ओके, तो इस तरह से हमें पता चला कि एयरक्राफ्ट की इम्पोर्टेंस क्या है, कि किसी एयरक्राफ्ट की वजह से किस तरह से वॉर जीते जा सकते हैं। और ये इवन ऐसे ही नहीं, जब जापान ने US पे अटैक किया था, ठीक है, तो उस टाइम भी इसकी इम्पोर्टेंस पता चली थी, ठीक है, उस वर्ल्ड वॉर 2 में। इसके अलावा अगर हम बात करें INS विक्रांत, ये कितने टन का था, तो 19,500 टन का था, और मैजेस्टिक क्लास कैरियर था उसको पहले, क्योंकि हमने यूके से हमने लिया था ये, ठीक है, ब्रिटेन से हमने लिया था। HMS हरक्यूस बोला जाता था इसको, ठीक है, वहां पे इस तरह से बोला जाता है, तो इसको ये बोला जाता था इंडिया में आने के बाद, इसका इंडियन नेवल शिप, ठीक है, INS का फुल फॉर्म है, तो इसका नाम विक्रांत रखा गया। बेसिकली सर्विस में ये 1961 से 1997 तक था, उसके बाद फिर म्यूजियम में इसको यूज किया गया 2012 तक, और फिर इसको वहां से भी स्क्रैप कर दिया गया 2014-15 में। ओके, और इसके बाद फिर INS विराट, इसकी साइज कितनी है, 28,700 टन, और इसके अलावा ये कैंटोर क्लास कैरियर है, फॉर्मली ये भी हमने यूके से लिया था बेसिकली, ठीक है। HMS हेरमेस बोला जाता था इसको, उसके बाद इंडिया में आया तो विराट बोला जाता है। 1987 से सर्विस में, 2016 तक था, इसको मार्च 2017 में डिकमीशन कर दिया गया। इसके अलावा विक्रमादित्य, ये अभी है, ये वर्किंग है अभी, तो ये 45,400 टन का है, मॉडिफाइड कीप क्लास कैरियर है, फॉर्मली जो एडमिरल गोरशॉव बोला जाता था, और इसको हमने रशिया से लिया था 2013 से, अभी तक ये सर्विस में है, ठीक है, 2013 से, तो इसका नाम आपको याद रखना है, ये दोनों भी सभी याद रखने हैं इंडिया में। और अब जो ये वाला जो है ISC-1, ये 40,000 टन और इंडिजिनियसली बिल्ट है, इसको डिजाइन किसने किया है, डायरेक्टरेट ऑफ नेवल डिजाइन, और ये कमीशन कब किया जाएगा, 15 अगस्त 2022 को। ओके, इंडिया का दूसरा भी ISC का कोई प्लान है, तो इसका, इस वाले को क्या बोला जाएगा, इसको विक्रांत बोला जाएगा, ISC-1 को। ISC-2 जो बनेगा उसको विशाल बोला जाएगा। ओके, तो इसको विशाल बोला जाएगा, और इसकी साइज कितनी होगी, 65,000 टन वेसल, ठीक है, और इट विल टेक अराउंड 10 ईयर्स टू बिल्ड एंड इंडक्ट इन टू द नेवी, तो 10 साल लगेंगे इसको बनने में। और कंट्री इस पर कितना खर्च करेगी, तो 1.6 लाख करोड़ इस पर अराउंड खर्च होंगे, लेकिन अभी ये कंट्री ने डिसीजन नहीं लिया, गवर्नमेंट ने डिसीजन नहीं लिया बेसिकली, कि क्या इतना पब्लिक मनी इसको बनाने में हमें यूज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ठीक है, एंड ऑपरेटर थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर, मतलब तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर हमें रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, दो से ही काम चल जाएगा, ये गवर्नमेंट को डिसीजन लेना है अभी। तो क्या एक अफोर्डेबिलिटी भी एक चीज़ होती है, क्या अफोर्डेबल है, या इतना पैसा हम लगा सकते हैं, नेसेसिटी है, या ऐसे ही बना के बस रख लिया, ठीक है, तो बेसिकली ये सोचना है। काफी लोगों का ये भी कहना है कि एयरक्राफ्ट कैरियर पे इंडिया को ध्यान देने की जगह सबमरीन पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सबमरीन डिफेंसिव होती हैं, मतलब तो उनसे हम अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, डिफेंस कर सकते हैं, और जो एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं वो अटैक के लिए बेसिकली माने जाते हैं, लेकिन हमें अपना सिर्फ डिफेंस ही मजबूत नहीं करना, अपना अटैक वाला चीज भी मजबूत करना है, तो दोनों की ही जरूरत है। तो आपको क्या लगता है, आप ही मुझे बता दीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे हमने एयरक्राफ्ट कैरियर की इम्पोर्टेंस के बारे में जाना, तो क्या ये वाला जो ISC-2 है ये बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, ये भी आप मुझे कमेंट करके बताएगा। ओके, तो चलिए यहाँ पे हमारे लेक्चर कंप्लीट होता है, आपको कैसा लगा, अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगता है तो आप इसको लाइक जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर किया करिए। ओके, तो अगर आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन ऐसी लगती है कि हाँ मुझे कुछ बेनिफिट हुआ है, तो फिर बदले में आपको भी उसको मुझे बताना होगा कि हाँ हमें पसंद आया। ओके, तो अगर आप इस वीडियो की PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके अलावा इंस्टा और फेसबुक पर भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।